नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेकर आया विज्ञान क्विज 2। और इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे गए अलग अलग क्वेश्चंस का सेट है जो कि एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, पटवारी जैसी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलते हैं हमने अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज लार्जेस्ट बोन। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? हमारे ऑप्शंस है वर्टिब्रल, मेरुदंड, थाई, जांघ, रिब केज, पसली, आर्म, भुजा। जब हम सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं तो हमारे शरीर की जो जांग होती है, उस जांग की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है, वह सबसे लंबी हड्डी होती है। जब कंकाल तंत्र की हड्डियों की बारे में बात करते हैं, सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड की बात करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में 33 हड्डियाँ होती है। जब बच्चा होता है तो बच्चे के शरीर में 33 हड्डियाँ होती है, लेकिन ये विकसित होकर फिर 26 हड्डियाँ हो जाती हैं। मतलब कुछ हड्डियाँ हैं वो जुड़ जाती हैं, जैसे कि 7 हड्डियाँ होती हैं हमारी गर्दन के अंदर, 12 होती हैं हमारे वक्ष में, और वेस्ट मतलब कमर के अंदर 5 हड्डियाँ होती हैं, और स्क्रम पार्ट में 1 हड्डी होती है, और टेल के अंदर 1 हड्डी होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो अपना स्क्रम पार्ट है वहाँ भी 5 हड्डियाँ होती थी, और जो पुच कशेरुका टेल कशेरुका होती थी उसमें 4 हड्डियाँ होती थी। ये जुड़कर 1 हड्डी का निर्माण कर लेती हैं और ये जुड़कर 1 हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो 33 से कुल हड्डियाँ बच जाती हैं हमने हमारी 26। जब फीमर की बात करते हैं तो फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, हमारे जांग में ये पाई जाती है, और 2 हड्डियों की संख्या होती है, एक बाईं जांग में, एक दाईं जांग में। जब पसलियों की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी का अर्थात कुल 24 पसलियां होती हैं। कुछ इस प्रकार का अस्थि पंजर होता है, जो बाईं तरफ पसलियां होती हैं उनकी संख्या भी 12 होती है, दाईं तरफ पसलियां होती हैं उनकी संख्या भी 12 होती हैं। तो और जो इनको जोड़ने वाली जो अस्थि होती है या हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहा जाता है, उरोस्थि कहा जाता है। हृदय की जो हमारा वक्ष होता है, छाती, छाती की हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है। जब भुजा की बात करते हैं, आर्म की बात करते हैं, तो आर्म में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है, और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थाई, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन हैं 1:50, ऑप्शन बी 1:600, ऑप्शन सी 600:1, ऑप्शन डी 50:1। दोस्तों जब हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ा था तो आरबीसी के काउंट और डब्ल्यूबीसी के काउंट ये हमने देखे थे कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 40 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम या पर घन मिलीमीटर। और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात की थी तो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 4000 से 5000 पर क्यूबिक एमएम। और आरबीसी को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, इसी का लैटिन नाम एरिथ्रोसाइट है। जबकि डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इंग्लिश में व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, और इसका लैटिन नाम है ल्यूकोसाइट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 600:1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड। किस जीव में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त मिश्रित हो जाता है? तो दोस्तों हमने कुछ ऐसे जीवों की बात की थी जिनमें कितने जिनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और कितने ऑरिकल्स, कितने नीले होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फिश, दूसरा एम्बीफी यानी उभयचर, नंबर 3 बर्ड, और नंबर 4 मैमल से स्तनपाई। तो जब अपन बात करते हैं फिश की, तो ये एक ऐसा जीव होता है जिसके हृदय को सिरी हृदय कहा जाता है या वेन्स हर्ट बोलते हैं। इसके हर्ट में धमनियां नहीं होती है, और इस कारण से इसका जो रक्त है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन विहीन रक्त मिश्र हो जा मतलब मिल जाता है आपस में। फिश के जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, इसीलिए इसके हृदय को सिरी हृदय कहा जाता है। उभयचर जो होते हैं एम्फीबियंस, उनमें 3 कक्ष होते हैं उसके चैम्बर्स में, उसके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। पक्षी की बात करते हैं तो उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। और जो मैमल्स होते हैं स्तनपाई जैसे ह्यूमन, उसमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिश। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बर्ड्स यूजली हैव अ सिंगल, पक्षियों में आमतौर पर एक ही होता है। दोस्तों पक्षियों की संरचना भी मानव शरीर की संरचना के अनुसार ही होती है, जैसी ही होती है, लेकिन पक्षियों के अंदर एक जो एक ही अंडाशय पाया जाता है, लेकिन मानव शरीर में 2 अंडाशय पाए जाती हैं। हमारे ऑप्शन किडनी, फेफड़ा, वृषण और अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ओवेरी। पक्षियों के बारे में बात करते हैं तो पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, और उनमें क्या भरी हुई होती है? हवा भरी हुई होती है। पक्षियों की हड्डियों में हवा भरी हुई होती है, इसलिए इन्हें न्यूमेटिक बोन्स भी कहा जाता है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, केवल मलाशय ही होता है।
और पक्षियों की जो बीट होती है उसमें ऑर्निथिक अम्ल पाया जाता है। और भारत के जो पक्षी विशेषज्ञ हैं या बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किस किन अंगों में होता है? ऑप्शंस हैं लीवर, स्प्लीन, प्लीहा, सी हर्ट और डी लीवर एंड स्प्लीन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी डेथ यकृत में भी होती है, प्लीहा में भी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत और प्लीहा, क्योंकि किसी एक अंग को हम रक्त कोशिका का, लाल रक्त कोशिका का कब्रगाह नहीं कह सकते हैं। जब इसकी बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? यकृत और प्लीहा को। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? हाथी के अंदर। सबसे छोटी आरबीसी की बात करेंगे तो कस्तूरी मृग में, ये कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। और आरबीसी की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर अगले की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले डब्ल्यूबीसी की संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज 4000 to 5000 पर क्यूबिक एमएम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम बाहर निकालते हैं, ऑप्शन से 4%, बी 8%, या 12%, या फिर 16%। दोस्तों जब हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के साथ में बहुत सारी गैसेज एंटर करती हैं, जिनमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और कुछ अदर गैसेज जैसे आर्गन जैसी गैसेज होती हैं। लेकिन जब अपन शरीर उच्च निश्वसन करते हैं या गैसों को बाहर निकालते हैं, तब नाइट्रोजन तो 78% बाहर आ जाती है, कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है, उसके बाद में 17% को ऑक्सीजन वापस बाहर आ जाती है, और जब कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ध्यान रखेंगे मानव शरीर में जो संक्रमण रोकता है उसका नाम है विटामिन ए, उसको कहते हैं हम विटामिन ए। और जब विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन्स इनके रासायनिक नामों की बात करेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, विटामिन बी संकुल भी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, जिससे स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। दोस्तों विटामिन को याद करने की एक रिदम भी है, जिसमें इनके रासायनिक नाम को हम याद कर सकते हैं, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फ्लेक्विनोन, इस प्रकार की एक ट्रिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे शरीर में बहुत सारी टाइप की शर्कराएं पाई जाती हैं, जिनमें सारी की सारी शर्कराएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो सुक्रोज की बात करेंगे, सुक्रोज कहते हैं गन्ने की शर्करा को, ग्लूकोज कहते हैं रक्त शर्करा को या पाक्षा शर्करा जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। फ्रक्टोज की बात करेंगे, फ्लक्टोज फलों या शहद की शर्करा होती है। माल्टोज की बात करेंगे, माल्टोज अनाजों की शर्करा होती है, जो कि गेहूं, चावल, जौ आदि में पाई जाती है। कुछ अन्य शर्कराएं जैसे ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज की बात करेंगे तो उसको ब्रेन शुगर या मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है, और लैक्टोज की बात करेंगे तो इसे दुग्ध की शर्करा कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मीठी होती है दैट इज फ्रक्टोज फलों की या शहद की शर्करा। और फलों के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, फलों की स्टडी को कहा जाता है पोमोलॉजी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, कैंसर ऑफ बोन मैरो अस्थि मज्जा के कैंसर को कहते हैं। तो दोस्तों जब अपने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन से रोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे शरीर में जब डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है तो एक रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, और उसी को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उसकी अनियंत्रित वृद्धि होती है, उसके कारण ये कैंसर रोग होता है। और कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। और इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो आज के ये 10 क्वेश्चन थे, मैं समझता हूँ आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है। अगली जो विज्ञान की क्विज होगी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच।